अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इडियम्स पर 10 सेंटेंस है। और दोस्तों ये उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इडियम्स की ये फोर्थ वीडियो है। आप पहली, दूसरी और तीसरी यूट्यूब पर जाकर माय बुक लिखोगे तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, और जितनी भी मेरी और वीडियो है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसी तरह से उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों ये डेली यूज़ के सेंटेंस होते हैं, और आगे भी मैं इडियम्स पर और वीडियो आप लोग के लिए न्यू से न्यू लाऊंगा जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, इसने पिछले साल ही शोहरत हासिल की। He came into the limelight last year, यानी कि इसने पिछले साल ही शोहरत हासिल की। दूसरा सेंटेंस है, ये खबर जंगली आग की तरह शहर में फैल गई। This news spread in the city like wildfire, यानी कि ये खबर जंगली आग की तरह शहर में फैल गई। तीसरा सेंटेंस है, वो जल्द ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। He will soon find himself in hot water, यानी कि वो जल्दी ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। सेंटेंस नंबर फोर है, चोर रुपया लेकर फरार हो गया। द थीफ मेड ऑफ विथ द मनी, यानी कि चोर रुपया लेकर फरार हो गया। पांचवा सेंटेंस है हमारे पास, वो दौलत में खेलता है। ही रोल्स इन वेल्थ, यानी कि वो दौलत में खेलता है। सेंटेंस नंबर सिक्स है, दयानतदारी आखिरकार फल लाती है। Honesty pays in the long run, यानी कि दयानतदारी आखिरकार फल लाती है। सेंटेंस नंबर सेवन है, तुम्हारा दोस्त कमज़ोर है मगर फिर भी मेहनती है। Your friend is weak but all the same he is hard working, यानी कि तुम्हारा दोस्त कमज़ोर है मगर फिर भी मेहनती है। आठवां सेंटेंस है हमारे पास, ये शिकारी पक्का निशानेबाज है। This hunter is a dead shot, यानी कि ये शिकारी पक्का निशानेबाज है। सेंटेंस नंबर नाइन है, दुश्मन मौके पर ही मारा गया। The enemy was killed on the spot, यानी कि दुश्मन मौके पर ही मारा गया। सेंटेंस नंबर टेन है, और दोस्तों ये लास्ट सेंटेंस है, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूँगा। I will help you through thick and thin, यानी कि मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूँगा। तो दोस्तों ये अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में।